एक साल के बाद फिर से साइन एक्स प्रो की तरफ से जो रेन रिपेलेंट है फिर से मैं इसका रिव्यू कर रहा हूँ। रीज़न ये है कि इसका जो आउटपुट है एकदम 100 आउट ऑफ 100 है। बहुत सारे गाड़ियों में मैंने इसको यूज़ किया, बहुत सारे यूज़र्स हैं इसके मेरे पास आए थे वीडियो देख के, मेरे दोस्त थे मैक्सिमम उनमें से जहाँ पे मैंने इसको अप्लाई किया था, और सब लोग बहुत खुश हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 50% ऑलमोस्ट कंजम्पशन इसका हो चुका है। और मेरे गाड़ी में अभी ये कंडीशन है कि जो विंड स्क्रीन है या जितने भी ग्लासेस हैं ऑलवेज़ हाइड्रोफोबिक इफेक्ट उसमें आ गया है, क्योंकि बहुत टाइप का मैं प्रोडक्ट यूज़ करते रहता हूँ तो एक हाइड्रोफोबिक प्रॉपर्टी जो है ऑलवेज सस्टेन करता है मेरा विंड स्क्रीन में। तो इसीलिए पहले का क्या केस रहता है वो तो मैं आपको दिखा नहीं पाऊँगा। इसके पहले इसके बारे में एक वीडियो मैंने पोस्ट किया था जब मैंने फर्स्ट टाइम इसके बारे में डाला था, वहाँ पर आप मैं लिंक दे दूँगा, देख के आप देख सकते हैं कि क्या इफेक्ट चेंजेस आता है। लेकिन इसको कैसे अप्लाई करना पड़ेगा और इसका क्या आउटपुट आता है वो आपको मैं फिर से दिखाने वाला हूँ। ओवर टाइम मेरे सब्सक्राइबर भी बढ़े हैं, मेरे जो व्यूअर्स हैं वो भी बढ़ रहे हैं, तो मेरे ख्याल से सबको इस प्रोडक्ट के बारे में पता होना चाहिए। और मैं कोशिश करूँगा कि मैं प्रोडक्ट को मैं फिर से लॉन्ग टर्म एक रिव्यू में आपके पास सब प्रोडक्ट कर लाते रहूँगा बैक टू बैक कि उसका इफेक्ट क्या है, लॉन्गजिविटी कैसा है। तो आज इसका बारी है, तो ये प्रोडक्ट मैं चाहता हूँ सबके पास पहुँचे क्योंकि बहुत ज़्यादा हेल्प मिलता है ड्राइविंग के टाइम में, और जब बहुत हेवी रेन हो रहा है उस वक्त तो और भी ज़्यादा हेल्प मिलता है। तो बॉटल के हिसाब से यहाँ पे जो गाइडलाइन है कि आपको एक माइक्रोफाइबर लेना है, टॉवल लेना है, उसको थोड़ा मॉइस्ट कर लेना है, डैम कर लेना है पानी से, नॉर्मल पानी से, और वहाँ पे आपको कुछ कपल्स ऑफ स्प्रे डालना है। और फिर जो विंडस्क्रीन है उसको पहले तो आपको अच्छे से क्लीन कर लेना पड़ेगा। अगर साइन एक्स प्रो का ग्लास क्लीनर है तो बहुत बढ़िया है, उसका भी आउटपुट बहुत अच्छा है। नहीं तो आपके हिसाब से जो भी आपको ठीक लगे, जो ग्लास क्लीन करने का कोई एक बढ़िया सा लिक्विड वहाँ से आप क्लीन कर लीजिए। फिर जो डैम क्लॉथ है उसको आप विंडस्क्रीन में क्रॉस हैश पैटर्न में आपको अप्लाई करना है, कुछ देर छोड़ देना ताकि थोड़ा हेजीनेस आ जाइए। उसके बाद आपको अच्छे से जो विंडस्क्रीन है आपको बफ करना है जब तक उसमें शाइननेस आ जाए, बहुत क्रिस्टल क्लियर शाइननेस आता है। लेकिन जो मैं प्रोसीडियर यूज़ करता हूँ, मैं यहाँ पे कोई भी डैम क्लॉथ यूज़ नहीं करता हूँ, मैं डायरेक्ट इसका स्प्रे विंडस्क्रीन में देता हूँ और सेक्शन वाइज में करता हूँ, ठीक है, ऐसा नहीं कि पूरा में डाल दिया, ऐसा नहीं, सेक्शन वाइज में करता हूँ, उससे अच्छा आउटपुट मिलता है। और बाकी का प्रोसीडियर सेम है, एक ड्राई माइक्रोफाइबर से अच्छे से बफ करके शाइननेस में लाता हूँ। तो चलिए इसका प्रोसेस मैं फिर से मैं आपको दिखाता हूँ। और अनफॉर्चुनेटली बॉटल मेरे हाथ से गिर के इसका जो स्प्रे का मैकेनिज्म है ख़राब हो गया, तो मैं एक दूसरे स्प्रे बॉटल में इसको ट्रांसफ़र करके मैं आपको दिखाता हूँ। तो ऑलरेडी विंडस्क्रीन को मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया है, और इस स्प्रे बॉटल से मैंने यहाँ पे कुछ कपल ऑफ स्प्रे मैं यहाँ पे करता हूँ कुछ ऐसा, बस। और जो माइक्रोफाइबर है इसको मैं इस तरह से फोल्ड कर लेता हूँ, जो मैं करता हूँ वही मैं आपको दिखा रहा हूँ दोस्तों। तो यहाँ पे कुछ मैं स्प्रे कर लेता हूँ बस इतना, और कुछ इस तरह से आपको क्रॉस हैश पैटर्न में आपको इसको स्प्रेड कर लेना है, ठीक है। और तुरंत इसका जो एक डलनेस आपका विंडशील्ड में आ जाएगा कुछ ऐसा, प्रेस ज़्यादा नहीं करना है बस, ताकि ऐसा आपको स्प्रेड करना है कि हर एक एरिया में ये लग जाए, कोई एरिया ना छूटे, ठीक है। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि ज़्यादा देर तक मत छोड़िएगा इस चीज़ को, क्योंकि मैं डायरेक्ट रॉ यूज़ कर रहा हूँ। अगर आप डैम्प माइक्रोफाइबर में यूज़ कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू बॉटल का प्रोसीडियर, तो आप करीब 1 मिनट के लिए छोड़ सकते हैं, नहीं तो ज़्यादा देर के लिए मत छोड़िए। ओके, तो अब मैं दूसरे साइड में जाता हूँ और बाकी का पोर्शन मैं कंप्लीट कर लेता हूँ। तो अच्छे से यहाँ पे बफिंग करके अच्छे से ये यहाँ पे शाइनिंग आ चुका है, और एक बॉटल में पानी यहाँ पे दे रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए किस तरह से ये रिएक्ट करेगा, देखिए पूरा पानी सरक के नीचे, ठीक है। गाड़ी के अंदर में डैश कम भी है, उसका भी रिकॉर्डिंग मैं आपको दिखा दूंगा साइड बाय साइड। ये देखिए क्या बेहतरीन ग्लाइड कर रहा है पानी, थोड़ा एंगल चेंज करके मैं आपको दिखाता हूँ। देखिएगा यहाँ से, ये देखिए इतना बढ़िया तरीके से ग्लाइड कर रहा है। तो हेवी रेन में आपको समझ में आ रहा है कि आपको किस तरह से
आपको विजिबिलिटी में आपको एक एनहेंसमेंट मिलेगा, क्योंकि भारी बरसात में बहुत दिक्कत हो जाता है रोड विजिबिलिटी। लेकिन इस तरह का अगर कोटिंग आपका विंडस्क्रीन में रहे तो मज़ा आ जाएगा ड्राइविंग में। और रेनी सीज़न में रेन ड्राइविंग का मज़ा लीजिए इस प्रोडक्ट को यूज़ करके। देखिए कोई भी ट्रेल मार्क्स यहाँ पे नहीं है, पूरा वाटर बीडिंग जो अच्छे से यहाँ पे हो गया है। देखिए पानी कैसे ग्लाइड करके नीचे जा रहा है, ये देखिए। यहाँ पे कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस इस प्रोडक्ट के बारे में आपसे मैं थोड़ा शेयर करना चाहता हूँ। ये प्रोडक्ट यूज़ करने के बाद जब आपका गाड़ी अराउंड 50 या 60 किलोमीटर पर अब आपके ऊपर स्पीड पकड़ लेगा और जब बारिश होगा बहुत ज़ोर से, तो जो पानी है आप लिटरली देख पाओगे पूरा एकदम हवा में धक्का लग के पूरा एकदम ऊपर उड़ के निकल जा रहा है। ठीक है, देखने में भी काफ़ी मस्त लगता है और इससे विजिबिलिटी बहुत ज़्यादा एनहेंस होता है। हो सकता है कि अगर जब लो स्पीड में आप चला रहे हैं, मतलब सिटी में चला रहे हैं, धीरे धीरे जब चला रहे हैं, तब अगर पानी का फोर्स बहुत ज़्यादा है, बरसात का फोर्स ज़्यादा है, तो आप ये इफ़ेक्ट देख पाएंगे, तुरंत ग्लाइड होकर निकल जा रहा है। लेकिन मान लीजिए बहुत बूंदा बूंदी बारिश हो रहा है, ठीक है, एकदम जैसे होता है ना एक स्नोफॉल टाइप का जो बारिश जो होता है, उसमें आप हो सकता है कि ये पानी ग्लाइड ना करे, क्योंकि उसको फोर्स नहीं मिल रहा है ग्लाइड करने के लिए। वाटर बीडिंग होगा, गाड़ी जब जर्किंग होगा पानी निकल जाएगा, लेकिन उसको वो फोर्स चाहिए। ठीक है, या तो पानी का फोर्स चाहिए, नहीं तो विंड का फोर्स चाहिए वहाँ से वो निकलने के लिए। तो ये चीज़ आप देख लीजिएगा, क्योंकि बहुत लोग का मन है कि हाइड्रोफोबिंग होने से मतलब ये नहीं कि पानी गिरा सरक के निकल गया, बोतल से जो पानी मैंने डाला उसमें एक फोर्स था इसीलिए वो पानी निकल गया। ठीक है, और यहाँ पे कोई भी पानी का ट्रेल मार्क्स या यहाँ पे कोई ठहराव यहाँ पे नहीं है। तो ये चीज़ मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था, मैंने आपसे शेयर कर दिया। और सेकेंडली, अगर आपके विंडशील्ड में ये प्रोडक्ट यूज़ करने के बाद मान लीजिए बारिश वारिश नहीं हो रहा है और धीरे धीरे विंडस्क्रीन गंदा हो गया, डस्ट पड़ के गंदा हो गया, तो हो सकता है कि आपको तो आपको दिखने को मिलेगा कि इसका इफ़ेक्ट कम गया है। लेकिन रिगेन कैसे करेंगे, एक माइक्रोफाइबर लीजिए, पानी में भिगो के पूरा विंडस्क्रीन को अच्छे से साफ़ करके ड्राई माइक्रोफाइबर से बफ़ कर दीजिए। ठीक है, एग्जैक्टली जो आपको इफ़ेक्ट मिल रहा है अभी, सेम इफ़ेक्ट आपको दिखने को मिलेगा। तो इसी चलते मेरा जो बॉटल आपको दिखाया 50% सिर्फ मेरा यूज़ ही है, इसी चलते मेरा इतना ही सिर्फ यूज़ हुआ है। ठीक है, आपका एक बॉटल अगर ले लेते हैं तो आपको मेरे हिसाब से तो अराउंड 3 साल तो आराम से चल जाएगा। ठीक है, मोर देन 3 इयर्स भी हो सकता है। तो बहुत कम प्राइस में आपको बहुत बढ़िया सा डील आपको दिखने को मिल रहा है। तो दोस्तों वीडियो को यहीं पे कंप्लीट करते हैं। प्रोडक्ट अगर लेना है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका बाय लिंक दे दूंगा, क्लिक करके परचेस कर सकते हैं। और जो डेमोस्ट्रेशन अगर आपको पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी टाइप का प्रोडक्ट रिव्यू, लॉन्ग टर्म रिव्यू मैं आपके पास लाते रहूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑसम टेक राइटर एंड कीप वॉचिंग ऑसम टेक राइटर।